हाय एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया? वेल, आपको तो पता ही होगा कि मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ और रोज़ कोई ना कोई अलग अलग जगह पर फूड टूर पर निकल जाती हूँ। तो आज की मेरी डेस्टिनेशन है 650 द ग्लोबल किचन। एंड 650 द ग्लोबल किचन इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी इन आंबावाड़ी एरिया। सो यहाँ पर हम आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। 650 द ग्लोबल किचन सर्व्स इटालियन, मैक्सिकन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज एंड थाई क्यूजींस। सो ऑल यू कैन ईट क्यूजींस आर ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल द वेजिटेरियन ऑप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट देयर वेराइटीज ऑफ फूड और आपको भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर आज मैं क्या क्या खाने वाली हूँ, इसका टेस्ट कैसा है। सो आर यू गाइज रेडी फॉर अनदर फूड डेस्टिनेशन? Kitchen and I'm going to start my day and my lunch with the short glass platter jisme mujhe mil rahe hai do tarah ke starter. The first is Shanghai basket and the second is Thai spring rolls. So ye starter mujhe serve kiya jata hai short glasses mein, that's why the starter's name is short glass platter. The Shanghai basket has cottage cheese which is tossed in chilies and coriander. So obviously it is a fusion dish and it is served in individual baskets. So let's try. जो बास्केट है बहुत क्रंची है और उसके ऊपर जो वेजिटेबल चॉप किए गए हैं वो उसमें मुझे चाइनीज़ का फ्लेवर आ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट चाइनीज सॉसेस यूज हुए हैं और उसके अंदर है कॉटेज चीज विच इज़ टॉस्ड इन चिली एंड कोरिएंडर. सो द फ्लेवर्स आर रियली गुड एंड दिस इज मस्ट बी योर गो टू स्टार्टर. सो नाउ इट्स टाइम फॉर दिस थाई स्प्रिंग रोल्स. दिस स्प्रिंग रोल्स आर मेड of vegetables and in the Thai style the Thai sauce is also given. So let's try. The Thai spring rolls has also the chopped vegetables and the taste is almost similar because it is also contained the sauces, the Chinese sauces, but all the platter I enjoyed whole platter. So The starter which I ate before, short glass platter, उन दोनों के टेस्ट तो अलग थे ही एक दूसरे के, लेकिन अब मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है कुछ नॉर्थ इंडियन स्टार्टर. पनीर, अरे पनीर को मैं कैसे भूल सकती हूँ यार. ये पनीर टिक्का नॉर्मल पनीर टिक्का से बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि दिस पनीर टिक्का इज स्टफ्ड विथ चीज एंड स्पाइस्ड विथ पेपरिका एंड इट इज सर्व्ड विथ मिंट चटनी एंड लच्छा ऑनियंस एंड सम सैलड. सो है ना कुछ अलग. तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं. इसकी जो फिलिंग है उसमें है चीज. एक और बाइट तो बनता है यार. फिर
फिरंगी पनीर ट्राई करना तो बनता है क्योंकि ये नॉर्मल पनीर टिक्का से इतना ज़्यादा अलग है. इसमें है चीज़ बर्स्ट. या इट इज़ फिल्ड विथ चीज़. सो मुँह में जाके इतना यू नो द ब्लास्ट ऑफ चीज़ एंड द मिंट चटनी का फ्लेवर इज ऑसम. मैं ये पूरा ख़त्म करने वाली हूँ, किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली. Here comes my another starter. This is Greek gyro. Well, gyro is a non-vegetarian sandwich called in Greek, but this is my vegetarian version of gyros. And it has cottage cheese, pesto, parmesan cheese and vegetables. And here I get mayo dip and purple and green cabbage salad. Well, I'm going to taste this gyro for the first time and I'm really excited. So, let's start. Well, there is a lot of vegetables and it is tossed with some parmesan cheese, pesto and it has also bell peppers. The mayo dip is really good. It's creamy, it's a little bit spicy. I love the flavor. So, agar aap vegetarian ho aur agar aapko gyros khana pasand hai, to phir wait kis liye kar rahe ho? 650 the global kitchen mein aapko mil raha hai itna acha fusion varieties. To kyun wait kar rahe ho yaar? Fatafat aa jao. 650 ग्लोबल किचन में इतनी सारी वैरायटीज ऑफ क्यूजीन्स हैं, तो सारी क्यूजीन में से एक एक डिश ट्राई करना बनता है कि नहीं. सो दे सर्व मी फ्रेंच रैटाटूले. रैटाटूले एक ऐसे डिश है जो नॉर्मली आप लोग घर में खाते होंगे. वेजिटेबल्स किसको नहीं पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा कम वेजिटेबल्स पसंद है, लेकिन अगर इस फॉर्म में मिले तो कौन खाना नहीं चाहेगा. रैटाटूले कंटेन्स English vegetables, which is tossed in tomato sauce and with parmesan cheese, and it is served with garlic bread. So, इसमें बहुत सारे vegetables हैं. मुझे पता है जिसको vegetables ज़्यादा पसंद हैं, उनके लिए तो ये dish must try dish है. So, I'm going to try this ratatouille. I'm not a big fan of vegetables. मुझे पनीर और बहुत ज़्यादा गिरी चुने वेजिटेबल पसंद है, लेकिन इसमें इतने सारे वेजिटेबल्स हैं, लेकिन इसकी जो सॉस है और इसकी जो ड्रेसिंग है, इसके फ्लेवर्स है, उसको खाने के बाद वेल आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ वेजिटेबल. एंड दिस गार्लिक ब्रेड इज क्रंची, इज फ्लेवरफुल. मुझे ये वेजिटेबल पर्सनली बहुत अच्छी लगी. मस्ट ट्राई इन 650 द ग्लोबल किचन. सारी चीज़ें खाने के बाद अब बारी आती है मेन कोर्स की. तो मेन कोर्स में आज मेरे पास है फिरंगी सब्जी, परचा पनीर एंड टू काइंड्स ऑफ ब्रेड. द फर्स्ट इज मिर्ची एंड अजवाइन पराठा और ये है कुर्मी नान. कुर्मी नान बनती है टमेटो पेस्ट के साथ. तो यहाँ पर मैं सब्जी की बात करूँ तो फिरंगी सब्जी, नाम ही फिरंगी है, ऑब्वियसली इसमें सब्जियाँ भी फिरंगी है. सो दिस इज़ मेड ऑफ English vegetables and Mughlai gravy and it's a brown gravy sabzi. Aur ye hai parcha paneer. The paneer and spinach is rolled in spices and with the tangy tomato sauce. So let's get started. Main taste karungi kurmi naan. Just look at this. It is fully covered with tomato paste. Kurmi naan बहुत tasty है. इसमें जो tomato का taste बहुत अच्छे से आ रहा है और vegetables की तो मैं fan हो गई हूँ क्योंकि मैं vegetables बहुत कम खाती हूँ, लेकिन फिरंगी सब्जी I love this.
इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस परचा पनीर विथ मिर्ची एंड अजवाइन पराठा. इसमें बहुत सारे चिली फ्लेक्स है, अजवाइन है और ये क्रंची भी है. सो आइए टेस्ट करते हैं. ये है पनीर रोल, उसके अंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी. द ग्रीन स्टफिंग इज मेड ऑफ स्पिनच और इसके अंदर गार्लिक को भी मैं देख सकती हूँ. सो लेट्स ट्राई. ये जो पराठा है उसमें अजवाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है और ये सब्जी जो स्टफ पनीर है, पनीर को रोल किया गया है, बहुत यूनिक और डिफरेंट कॉम्बिनेशन है सब्जी में. भाई मैंने ये कॉम्बिनेशन कहीं नहीं खाया. और यू नो व्हाट, आज जितनी भी डिशेस मैंने 650 तक ग्लोबल किचन में ट्राई की है, सारी की सारी चीज़ें फ्यूजन और डिफरेंट डिशेस थी. सो अगर आप नॉर्मल खाना खा के बोर हो गए हो, कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो, तो कब आ रहे हो यार? अपने गैंग और अपनी फैमिली के साथ जल्दी से आ जाओ 650 द ग्लोबल किचन. आफ्टर मेन कोर्स हियर इज माय चिपोटले बोल. इट्स अ मैक्सिकन डिश. चिपोटले बोल कंटेन्स रिजोटो राइस, साउर क्रीम, वेजीज, चीज एंड मैक्सिकन बीन्स. सो लेट्स ट्राई. Each and every item in this chipotle bowl is well cooked. बहुत अच्छे flavors है और बहुत mild taste है और spicy बिल्कुल भी नहीं है. Salsa, cheese, sour cream, the risotto, brown rice, सबका flavor मुझे आ रहा है और हर एक bite में मुझे veggies का भी taste आ रहा है, the crunchiness of the veggies. Main course के बाद this bowl you can try and it's really good. This was the end of my today's food journey. So I really enjoyed myself at 650 the Global Kitchen. All the cuisines and all the dishes which I tried today was really amazing. And look at the ambience and the atmosphere. Itna acha lagta hai mujhe yahan pe aake. And it's really calm and beautiful. So stay tuned for next videos. This is Brinda signing off for today. See you in the next video. Don't forget to like, share and comment to the video and subscribe to our channel, Urban Kavi TV. See ya! Bhai, wow, mazaa aa gaya. Farid. Okay. So, the flavors are really cute. Okay. Ratatouille. 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 Ratatouille.